नाम अफताब है और आज के सेशन में हम चाइना और इटली के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ इटली से फैजान भी मौजूद है, हमारे ग्रुप के एडमिन, मेरे कलीग। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो भी अपना तारुफ करवा दें। आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी, फैजान भाई, सही, क्लियर आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम फैजान जाहिद है और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ और करेंटली मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैजानिया में मास्टर्स इन ऑटोमेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में पुरस्कार कर रहा हूँ। और आपकी ये मीटिंग जो है वो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है, जो कि बाहर आना चाहते हैं, स्पेशली चाइना और इटली की अगर हम बात करें तो स्कॉलरशिप के आप यहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए ये जो क्रेडिट जाता है आपका मेक हो जाता है, क्योंकि ये आईटीएल से डिलीवर होता है। और बेसिकली आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम दैट उन्होंने ये इस तरह की जो है वो मीटिंग शेड्यूल की ताकि आप लोगों को सबको गाइड किया जा सके। तो आप भाई फर्दर आप जो है वो प्रोसीड करें चाहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया फैजान भाई। अच्छा, वंडरफुल। हम सब की एफर्ट से जो है ना, उम्मीद है कि बाकी भी जो लोग हैं वो हमारे इस स्टेज पे पहुंचेंगे कि वो लोगों को मजीद गाइड करेंगे और इसी तरह प्रॉस्पेरस पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले मैं चाइना के जो जो थी स्कॉलरशिप है उसका जो है, वैसे आपने स्क्रीन पे पढ़ लिया होगा कि चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उसका एक तरीकाकार जो है वो है, मैंने उर्दू में ग्रुप में भी शेयर किया है। उसमें तमाम स्टेप बाय स्टेप जो है वो लिखे हुए हैं, तमाम बातें लिखी हुई है कि सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। ये तकरीबन कोई 4 से 5 स्टेप हैं जो कि मोस्टली तमाम स्कॉलरशिप के लिए होते हैं। अगर ये बंदा कर ले तो ज्यादातर जो है स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि मोस्टली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, स्पेसिफिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो थोड़े से चेंज रहते हैं यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो चाइना में दरअसल अप्लाई करने का तरीकाकार कुछ यूँ होता है कि सबसे पहले जो मैंने आपको वेबसाइट दी है, जैसा कि अभी आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये तो आई थिंक स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको। फैजान भी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, नजर आ जी रही है। जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, काइंडली ये जो वीवो के नाम से जिसने ज्वाइन किया है वो अपना ओरिजिनल नेम जो है वो मेंशन करें। पार्टिसिपेंट है जिन्होंने वीवो के नाम से ज्वाइन किया हुआ है, तो काइंडली आप अपना जो है वो ओरिजिनल नेम यहाँ पे मेंशन करें। यस, एग्जैक्टली। रियल नेम अगर आप लिख लें तो बेहतर होगा हमारे लिए, आपको मुखातिब करना आपके क्वेश्चंस और क्यूरीज को, ताकि हमें पता चले कि हम किसको आंसर कर रहे हैं, किसका क्वेश्चन क्वेश्चन किस तरफ से आया है। तो कंटिन्यू करते हैं। मैं चाइना में जो अप्लाई करने का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो कैसे किया जाए, तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि यूनिवर्सिटी की सबसे पहले तलाश की जाती है, ठीक है, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी की तलाश की जाती है। लेकिन यूनिवर्सिटी कहाँ कहाँ तलाश की जाए, उसके लिए ये वेबसाइट है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैंने ग्रुप में भी शेयर की है, उम्मीद है आप सब लोग देख सकते हैं, campuschina.org। ये एक ऑथेंटिक गवर्नमेंट की इनकी वेबसाइट है जिसपे इनकी तमाम चाइनीज यूनिवर्सिटीज की जो डिटेल है वो अपडेटेड डिटेल वो प्रोवाइड की जाती है, मोस्टली अपडेटेड होती है, एक्सेप्ट सम यूनिवर्सिटीज दे चेंज देयर पॉलिसीज तो वो अपनी वेबसाइट पे जो है अपडेट कर देती हैं। तो ये campuschina.org का ये इंटरफेस आप जब करेंगे तो ये तरह का होगा। इसी के साथ यहाँ पे ना CSC होम पेज दिया गया है कि चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल का एक होम पेज है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो तरीकाकार मैंने ग्रुप में शेयर किया उर्दू में लिखा हुआ वही तरीकाकार इधर आप जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहें वेबसाइट के ऊपर फैसिलिटी मौजूद है कि आप उसको
किसी भी लैंग्वेज में, किसी कंट्री से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, और इस पे वो तमाम प्रोसेस जो है वो आप रीड कर सकते हैं। उसमें भी स्टेप बाय स्टेप लिखा है। इसमें फायदा ये है इसमें कि इस पे जो स्टेप्स हैं वो विद यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स पड़े हैं यहाँ पे। आपको अगर नहीं समझ आ रही तो आप इसका यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख सकते हैं और उस प्रोसेस को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको मिसाल तौर पे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने कोई कि कोई मेजर जिस मिसाल तौर मैं मैकेनिकल से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो मैंने अपना जो है मेजर सर्च करना है कि वो किस किस यूनिवर्सिटी में मौजूद है। तो यहाँ पे एक सर्च का बटन दिया गया है, इसमें मैं इंफॉर्मेशन को चेंज करके मैं मेजर पे क्लिक करता हूँ। ये आसान तरीका है बजाय इसकी यूनिवर्सिटी और इंफॉर्मेशन सर्च की जाए। तो मिसाल तौर पर मैं मैकेनिकल लिखता हूँ, ठीक है, तो मैकेनिकल को सर्च करते हैं। अब मैकेनिकल जब मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम जो है वो, जिसमें मास्टर डिग्री भी है, बैचलर डिग्री भी है, नॉन डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं, और पीएचडी के इस तरह डॉक्टर प्रोग्राम भी यहाँ पे अपियर होते हैं, वो अपियर होंगे। लेकिन हमने मिसाल तौर पर मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना है। मोस्टली पाकिस्तान के लोग जो हैं वो मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा के मास्टर डिग्री कर दिया, और कोशिश करनी है, मोस्टली जो है लोग इंग्लिश को ही प्रेफर करते हैं, एक्सेप्ट उनके जो जिनको चाइनीज लैंग्वेज ऑलरेडी आती होती है वो कहते हैं कि यार चलो चाइनीज में हो जाए या इंग्लिश में हो जाए डजंट मैटर, एडमिशन हो जाए किसी तरह, बट यहाँ से आप इंग्लिश कर लें। प्रोविंस को आप एज इट इज रहने दें, कि किसी भी चाइना के प्रोविंस में हो जाए, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो जाए, ठीक है, तो ये ऑल पे इसी तरह एज इट इज रहने दें। अब यहाँ से इसको आप फिल्टर कर सकते हैं, दोबारा आपने इस पे क्लिक करना है। ये मैं एक तरीकाकार बता रहा हूँ जिसमें आपने स्टेप वन पे आके सबसे पहले यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, अपना मेजर सर्च करना है कि आपका मेजर किस किस यूनिवर्सिटी में मौजूद है। अब यहाँ पे देखें तो तमाम यूनिवर्सिटीज की एक लिस्ट आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पेज वन से लेके सो ऑन आगे तक जितने भी डाटा इनका इनका इस वेबसाइट पर मौजूद है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफर कर रही है, या मैकेनिकल से रेलिवेंट कोई और थोड़ा बहुत मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन कोई रेलिवेंट मेजर ऑफर कर रही है, वो सारे के सारे जो हमने कीवर्ड टाइप किए हैं वो सारे के सारे मेजर यहाँ पे लिस्ट कर दिए गए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे किसी खास सिटी में चाहिए, ठीक है, मिसाल तौर पर मैं कहता हूँ कि मुझे चोंगचिंग यूनिवर्सिटी जाना है, या मिसाल तौर पर मैं कहता हूँ, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल देता हूँ, वो किस प्रोविंस में है, वो शांति मेरी यूनिवर्सिटी नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी है और वो शांची प्रोविंस में है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि शांची प्रोविंस में आके अब मुझे चूंकि अपनी यूनिवर्सिटी का नाम पता है तो मैं उसको क्लिक कर दूंगा और दोबारा से मैं फिल्टर अप्लाई करूंगा। तो अब देखें यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी और वो किस में ऑफर कर रही है मैकेनिकल, चूंकि हमने मैकेनिकल लिखा था वो मैकेनिकल में। इसमें आके यहाँ पे डिग्री, ड्यूरेशन, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन और आगे ट्यूशन फी लिखी है। मोस्टली स्टूडेंट्स इस चीज़ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ट्यूशन फी हमें पे करनी पड़ेगी, नहीं ऐसा नहीं है। जब आप चाइना में अप्लाई करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर हो जाते हैं, और चाइना में एक मजे की बात यह है कि जब आपको फॉर एग्जाम्पल ये सी एस सी स्कॉलरशिप नहीं मिली तो आपको यूनिवर्सिटी खुद जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप ऑफर करती है, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट स्कॉलरशिप होती हैं जो कि हम आगे चल के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्लिक किया अपनी यूनिवर्सिटी पे, मेरे पास एक नेक्स्ट इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें यूनिवर्सिटी की सारी डिटेल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दी गई है उसको क्लिक करके हम यूनिवर्सिटी की चाइनीज वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं जो कि चाइनीज में है। अब ये चूंकि ऑटोमेटेड ट्रांसलेटेड है तो इंग्लिश में शो हो रही है बट ये चाइनीज है। इसको मैं यहाँ से इंग्लिश वेबसाइट पे भी जाता हूँ, मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया और मैं इंग्लिश वेबसाइट पे यहाँ से इस तरह आ सकता हूँ। तो ये एक जनरल प्रोसेस है जो कि चाइना की कोई भी यूनिवर्सिटी सर्च करने के लिए, आपका अपना मेजर सर्च करने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी का सेम प्रोसेस है, आपने इसी तरह इस वेबसाइट पे आना है, campuschina.org पे आना है, और campuschina.org पे आके आपने इस तरह अपना मेजर सर्च करना है, ठीक है, और फिर बाकी का प्रोसेस वही है इसी तरह। तो यहाँ पे आके आप डिफरेंट जो भी आप चीज़ें देखना चाहें, आप यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ना चाहें, उसकी रैंकिंग क्या है,
और उसके अलावा आप उसका इंटरनेशनल इन्वायरमेंट देखना चाहते हैं, इंटरनेशनल स्कॉलर्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम अगर आप कोई अप्लाई करना चाहते हैं, या अगर कोई प्रोग्राम आप देखना चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रही है मजीद, वैसे तो आप अपने रिक्वायर्ड प्रोग्राम से आगे आए होते हैं कैंपस जाने से, बट ये कि आप मजीद देख सकते हैं स्कॉलरशिप कौन कौन सी ऑफर कर रही हैं, अगर स्कॉलरशिप ना लगे तो फीस स्ट्रक्चर क्या है, ऑनलाइन अप्लीकेशन कैसे है, सो ऑन सो ऑन, इस तरह की चीज़ें आप इसको इस वेबसाइट पर आके सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आप चाइना के एडमिशन के लिए आप सबसे पहले प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेने की कोशिश करते हैं। तो एक्सेप्टेंस कैसे लिया जाए, उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, जो लोग मिस्टेक करते हैं कि आप लोग जो हैं स्पैमिंग करते हैं, आई मीन ईमेल करते हैं प्रोफेसर को, एक यूनिवर्सिटी के एक ही डिपार्टमेंट के कई कई प्रोफेसर को ईमेल कर दी जाती है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली आप जो है अपने प्रोफेसर की जो डायरेक्शन है उसको केयरफुली रीड करें कि जो उसकी डायरेक्शन है वो आपकी डायरेक्शन रिसर्च डायरेक्शन से मैच करती है कि नहीं करती है। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि मिसाल के तौर पर हमने अंडर ग्रेड के लिए अप्लाई करना है, या अच्छा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एप्लीकेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा प्रोसेस स्लो कर दीजिए, डोंट वरी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप इसको रिकॉर्डिंग को भी देख सकते हैं बाद में, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि डिफरेंट तरह के आप प्रोग्राम देख सकते हैं और हर साल ये लिस्ट अपडेट होती हैं। फॉर एग्जांपल ये 2022 के जो अभी एडमिशन हुए हैं उनके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की एक लिस्ट है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इनमें अप्लाई कर सकते हैं। जो नेटिव एप्लीकेंट्स होते हैं और जो इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स होते हैं उनके लिए प्रोग्राम्स की लिस्ट डिफरेंट होती है, क्योंकि जो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स होते हैं वो मोस्टली जो है वो इंग्लिश में ऑफर होते हैं, और जो जो चाइनीज होते हैं वो चाइनीज में ऑफर होते हैं। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं, इन लिस्ट को पढ़ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मैंने कोई स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, जिसके लिए डेफिनेटली आप कोशिश कर रहे होते हैं, तो स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ा सा उसका पता होना चाहिए कि आपने कौन सी स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है। आपने चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, या आपने यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है। चाइनीज जो जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो उनको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी बोलते हैं, और उनको प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप भी बोलते हैं, और उनको प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नाम डिफरेंट नाम दे दिए जाते हैं। हर एक स्कॉलरशिप की वर्थ आगे दी गई है, इस स्कॉलरशिप में क्या क्या कवर्ड होगा, ठीक है, आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, और ये आगे उसका तमाम क्राइटेरिया लिखा होता है कि इसमें कितनी कैटेगरीज की स्कॉलरशिप है, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, ठीक है, तो उसके आगे वर्थ लिखी गई होती है। इसके अलावा ये जो स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट फ्रेशमैन है, अब ये जो था ये अंडर ग्रेजुएट के लिए था, ठीक है, और ये जो है ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है, जिसमें आपको मंथली अलाउंस 3,000 पर मंथ मिलता है। मजे की बात यह कि जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, पीएचडी वाले जो होते हैं स्पेशली, उनको अगर सीएससी स्कॉलरशिप ना भी मिले तो जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिलती है उसमें स्टाइपेंड की जो अमाउंट होती है वो स्टाइपेंड की अमाउंट जो होती है वो कम नहीं होती। मिसाल तौर पर ये देखें अगर पीएचडी के लिए, तो ये पीएचडी के लिए सेम अमाउंट है, ठीक है, तो पीएचडी को इस हवाले से जरा बेहतर है कि वो उसमें कोई लॉस नहीं होता। सीएससी का एक फायदा ये होता है कि आप उसमें एक्सटेंशन जो है ले सकते हैं, आपकी अगर डिग्री टाइम पे मुकम्मल नहीं हुई तो आप उसमें आप एक्सटेंड करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप में, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में ये एक ड्रॉबैक होता है कि वो आप एक्सटेंशन जो है वो आपको पेड एक्सटेंशन नहीं रहते, बल्कि आपको खुद उसका पे करना पड़ता है, आपको कोई स्टाइपेंड वगैरह नहीं मिलता। तो मिसाल के तौर पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने देनी हो, ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करके इधर आगे तमाम प्रोसेस जो है वो पढ़ा जा सकता है कि उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। जो मैंने ग्रुप में फाइल एक पोस्ट की है उसमें तमाम डिटेल दी गई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं।
सिंपली जिस तरह की सोशल मीडिया पर रजिस्टर करते हैं उसी तरह इधर एक अकाउंट बनाना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है, इधर यूजर मैनुअल भी दिया गया है, ठीक है। बाकी ये चीजें आपकी काम की नहीं होती इनिशियल स्टेज पे, पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी का इंटरफेस वेबसाइट पर डिफरेंट हो सकता है, तो ये एक जनरल तरीका का मैं बता रहा हूँ कि आप इस तरह रजिस्टर करके आप अपना अकाउंट बना के अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अलावा इस वेबसाइट पे मैं थोड़ा सा मजीद बता दूं कि इसमें देखें जनरल प्रोसीजर लिखा गया है स्टेप बाय स्टेप, तो इन स्टेप्स को आप फॉलो करके, पहला स्टेप क्या है कि आपने अपना डिपार्टमेंट जो मैंने आपको बताया है कि आपने अपना मेजर सर्च करना है, डिपार्टमेंट सर्च करना है, फिर उसके बाद आपने प्रोफेसर को कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है। हाउ टू फाइंड प्रोफेसर वो भी इस वीडियो में दिखाया गया है, और उसके अलावा आपने उस पर रिक्वेस्ट करनी है कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर दें, लेकिन कंडीशन वही है कि मोस्ट रेलेवेंट प्रोफेसर को आपने ईमेल करनी है और वेट करना है, और स्पामिंग नहीं करनी है आपने। फिर उसके बाद आपने सीएससी का पोर्टल फिल करना होता है, सीएससी ने अपनी पॉलिसीज चेंज की हैं, पहले आप सीएससी पे 3 यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर सकते थे, बट फ्रॉम लास्ट ईयर दे हैव चेंज देयर पॉलिसी एंड नाउ यू कैन ओनली अप्लाई टू ओनली वन यूनिवर्सिटी जो कि आप सिलेक्ट करेंगे और सीएससी पे आप अप्लाई करेंगे। तो आप कोशिश करें कि जो मोस्ट रेलिवेंट जो जो आपको पता है कि इस यूनिवर्सिटी में मुझे एक्सेप्टेंस जो है मिला है, और प्रोफेसर मेरा अच्छी कम्युनिकेशन में है, प्रोफेसर अच्छा है, आप उसके साथ अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, वो बिल्कुल आपकी रिसर्च से अलाइन करता है, तो आप उसी के लिए चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल चाइनीज स्कॉलरशिप जो है अप्लाई करें, जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है सीजीएससी। ये तमाम स्टेप्स दिए गए हैं कैसे रजिस्टर करना है, कैसे अपना अकाउंट बनाना है, फिर उसमें डिटेल दी गई है कि सी एस सी 3 तरह की होती है, कैटेगरी ए बी सी, वो भी तमाम डिटेल यहाँ पे दी गई जो कि मैं मजीद नहीं बताऊंगा, आप यहाँ आके इसको पढ़ सकते हैं और मजीद फाइल में भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सिल्क रोड स्कॉलरशिप है, बेल्ट रोड स्कॉलरशिप है, ठीक है, तो डिफरेंट स्कॉलरशिप हैं जो कि आप देख सकते हैं, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अलावा रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप होती है यूनिवर्सिटी की अपनी, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है, हर हर प्रोविंस की एक अपनी स्कॉलरशिप होती है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा अभी आवाज सही आ रही है? सर थोड़ी पहले से बेहतर है, लेकिन कोशिश करें क्योंकि बारिश बहुत है ना यहाँ पे, इसीलिए आवाज ही नहीं आ रही। चलें मैं कोशिश करता हूँ, मैं बेहतर हो जाएगी भी। तो अंटिल नाउ मैं तो मैंने शॉप में बैठा हूँ, इधर गाड़ियां हैं, सब शोर है, मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रही सर। आप अपना एनवायरनमेंट जो है वो देख सकते हैं, मतलब देखें किसी क्वाइट प्लेस पे चले जाएं, ठीक है। मैं कोशिश करता तो हूँ सर, असल में अभी शाम का टाइम है ना, तो मैं बस उठता हूँ यहाँ से। ऑल राइट ओके। तो ये बेसिक प्रोसेस है, और यही ये मैं समझता हूँ कि यही सारा प्रोसेस है चाइना के लिए, और ये बहुत आसान है, इसमें सिवाय आपके डॉक्यूमेंट के कंप्लीशन के और कुछ भी नहीं है। प्रोसेस इतना लेंथी नहीं है जैसे कि डिफरेंट कंट्रीज के अप्लाई करने के लिए डिफरेंट पोर्टल्स और डिफरेंट किस्म की एवेल्यूएशन चाहिए होती है। तो इसमें जो है आप सिंपली 2 पोर्टल फिल करेंगे, एक सीएससी का पोर्टल फिल करेंगे, ठीक है, और एक जो है आप यूनिवर्सिटी का पोर्टल फिल करेंगे, ठीक है। तो 2 ही पोर्टल फिल करने हैं आपने, और उसके अलावा आपने जो है डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लिस्ट दी गई है, अपडेटेड होती है बट इतनी भी अपडेटेड नहीं होती है लिस्ट, तो बेहतर है कि आप ये वाली वेबसाइट यूज करके अपना रिक्वायर्ड मेजर campusana.org से रिक्वायर्ड मेजर जो है वो तलाश करके वहां से आप अपनी यूनिवर्सिटी देखें, जिस यूनिवर्सिटी में आपको लगता है कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, ठीक है, तो उसके लिए आप कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके कोई सवाल है जो चाइना से रिलेटेड है, मैं देख लेता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरा एक क्वेश्चन जी जी सर क्वेश्चन बोले। है, हम सीएससी के अलावा, आपने कहा है कि यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, तो हम सीएससी के अलावा भी किसी स्कॉलरशिप में एट ए टाइम हम सीएससी में भी अप्लाई करें और साथ उसमें भी अप्लाई करें, ऐसा हो सकता है या उसका क्या प्रोसीजर है?
जी बिल्कुल हो सकता है, बट आप मिसाल के तौर पे एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं सीएससी, ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटी आपको आपकी डॉक्यूमेंट एवेल्युएशन करने के बाद जब आपका रिव्यू पास हो जाता है, इनिशियल रिव्यू फाइनल रिव्यू पास हो जाता है, फिर आपको यूनिवर्सिटी जो है ना सीएससी के लिए रिकमेंड करती है, ठीक है। अगर तो यूनिवर्सिटी आपको सीएससी के लिए रिकमेंड कर देती है और आपकी सीएससी जो है वो भी पास हो जाता है, उसका रिव्यू पास हो जाता है, तो फिर तो आपकी सीएससी लग गई। फॉर एग्जाम्पल ये एक यूनिवर्सिटी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल वो यूनिवर्सिटी जो है वो सीएससी को रिकमेंड करती है और सीएससी रिजेक्ट कर देती है, उस केस में यूनिवर्सिटी अगर समझती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, क्योंकि उन्होंने रिव्यू ऑलरेडी पास किया होता है अपनी तरफ से, तो वो आपको अपनी स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं खुद ब खुद, ठीक है, वो कहते हैं कि आप अपनी यूनिवर्सिटी की हम आपको स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, तो आप उसमें आप विलिंग हैं, आप लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। उसके अलावा आप सेम उसी यूनिवर्सिटी में, मतलब मिसाल तौर पर आपने सीएससी अप्लाई किया अगर, ठीक है, तो एट ए टाइम आप उसकी जो कोई और बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप है वो देख सकते हैं, लेकिन सेम प्रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप नहीं देख सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको कंसिडर करेंगे उसके लिए। लेकिन इस दौरान आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे हर यूनिवर्सिटी की आप प्रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, आप डिफरेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो आप सेम यूनिवर्सिटी में दो तीन स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सकते, बट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं एट द टाइम। और सर ये हमने मोटिवेशनल लेटर में शो करना होता है कि हम सीएससी को प्रेफर कर रहे हैं या प्रोविंशियल को या किसी और स्कॉलरशिप को, क्योंकि नहीं, वो हम प्रोफेसर को ईमेल करते हैं ना। मैं जहां तक समझता हूँ वहां पे बहुत मुख्तसर सा हवाला देना होता है, सिर्फ आपने स्कॉलरशिप कहना होता है, ठीक है, वो भी बहुत मुख्तसर था आपने कहीं, क्योंकि प्रोफेसर को बताना होता है कि मेरी स्टडीज जो होंगी वो यूनिवर्सिटी फंडेड होगी, यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप फंडेड होगी, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड होगी, ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात प्रोफेसर को नहीं पता होता कि ये फर्ज पे आ रहा है या किस तरह, तो वो आप उसको कवर लेटर में भी प्रोफेसर को बता सकते हैं, जो आप उसको ईमेल करते हैं उसमें भी बता सकते हैं। कोशिश ये करते हैं मोटिवेशन लेटर में कि उसमें एकेडमिक ज्यादा डिस्कस की जाए। सही है, मतलब जो हमें यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर एक्सेप्टेंस लेटर देगा वो हमें चाहिए होता है सीएससी के पोर्टल में या कुछ इस तरह का, ऐसे ही है। वो आपको स्कॉलरशिप विन करने में मदद देता है, वो चाहे यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप हो चाहे वो सीएससी हो, ठीक है, तो आपने दोनों पोर्टल से वो अपलोड करना होता है, जिसकी वजह से आपके चांसेस जो है इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है मेरा, हम लोग पहले सीएससी का पोर्टल फिल करते हैं या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म पूरा वो एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं? दोनों में से किसकी डेट पहले होती है या क्या प्रोसेस उसका क्या स्टेप है? सबसे पहले जो मैंने आपको तरीका बताया, आप यूनिवर्सिटी ढूंढते हैं और यूनिवर्सिटी को अप्रोच करते हैं और इस तरह, लेकिन यूनिवर्सिटी को अप्रोच करने से पहले आप देखते हैं कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर कहाँ से मिला है। एक्सेप्टेंस लेटर एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है जो कि आप अपनी स्कॉलरशिप के चांसेस बढ़ाने के लिए लेते हैं। अब उसके लेने के बाद आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई करने के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं वो कहती हैं कि आप साथ ही सीएससी पे अप्लाई कर सकते हैं, बट पॉलिसीज चेंज होती हैं हर यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है वो कहती है कि आप मिसाल के तौर पे आपका जून में अगर रिजल्ट आया है ना, आपने आपका यूनिवर्सिटी का रिव्यू जो है वो जून में पास हुआ है, आपने अप्लाई किया था मिसाल तौर पे नवंबर में अप्लाई किया था, ठीक है, तो आपको जून में वो नोटिफाई करेंगे कि आप अभी जो है वो सीएससी पे अप्लाई कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है, बट यूनिवर्सिटीज भी आपको नोटिफाई करती हैं कि आपका अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये वाला है और आप जो है अब आप अप्लाई कर सकते हैं सीएससी पे। हेलो, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? ये सर आपकी आ रही है आवाज? जी, एक्चुअली यार यहाँ पे आपके लिए वैसे ये बड़ी मुश्किलों से लाते हैं जो भी ये सर्विसेज लाते हैं, वीपीएन वगैरह यूज करके ये मैं यूज करना पड़ता है सारा, इसके बगैर कुछ भी नहीं चलता चाइना में,
अच्छा, किसी और का कोई चाइना से रिलेटेड क्वेश्चन हो, मैं फिर उसके बाद ये जो आपने फॉर्म फिल किया उसमें क्वेश्चन है उनकी तरफ बढ़ूंगा। सही है सर, आप कंटिन्यू करें, यहाँ तक समझ आ गई है सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी, सर मेरा क्वेश्चन स्कॉलरशिप से थोड़ा हटके था, ये कहा कि अगर फॉर एग्जांपल हम मतलब किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो हमें और काफी सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि हेल्थ इश्यूज हो गए, मेडिकल इश्यूज, तो इसको हम देखो कैसे हैंडल कर सकते हैं, थोड़ा जनरल टॉपिक है ये। कुछ प्लीज स्पेसिफाई योर क्वेश्चन। आई मीन किस तरह के हेल्थ इश्यूज, किस तरह के, मुझे इस चीज का थोड़ा समझ नहीं है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मतलब जैसे हमारी जो हाइड्रेशन है, मतलब वाटर वगैरह, वाटर और जैसे हमारे जो डाइट्स वगैरह हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं हर कंट्री के अंदर, और एनवायरनमेंट भी थोड़ा चेंज होता है। तो उसमें मैंने सुना है कि जब जाते हैं तो हमें बहुत सारे इस तरह के हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, और वहाँ पर शायद ऐसे ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता किसी हॉस्पिटल से। देखिए, अगर आप किसी भी फॉरेन स्टूडेंट को उठा के देखने को, उसका केस उठा के देखने, उसमें आपको ऐसा कोई भी सीन नहीं मिलेगा। आज तक मुझे ऐसा कोई सीन नहीं मिला, कोई इस तरह केस सामने नहीं आया कि कोई बंदा इस तरह इतना बीमार हो गया हो वहां जाके दूसरी कंट्री में कि उसका इलाज नामुमकिन हो गया और कोई मसले उसको हो गए हो इस तरह की, वो फिर उसको स्टडीज डिसकंटिन्यू करनी पड़ गई हो। तो ऐसे कोई इशू नहीं होती, दुनिया सारी एक जैसी है। ठीक है, ये एक हमारा फोबिया होता है जो हमें ट्रैवल करने से, बाज़ बार लोग कहते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा दूसरा कंट्री। यहाँ पे भी यार इंसान रहते हैं सारे एक जैसे ही हैं हम, कोई इतना बड़ा नहीं होता इसमें कि प्रॉब्लम के आप जो है वो सरवाइव ना कर सकें। और अगर आप मुस्तकबिल को देखें तो आपको हर हाल में सरवाइव करना पड़ता है, तो ऐसे कोई इश्यूज नहीं होते। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक्चुअली कनाडा की जो स्टूडेंट था वो यहाँ पर पढ़ रहा था, तो उन्होंने ये कहा था कि ऐसे हमारे पास ना मेडिकल वाली साइड पे तो ऐसे ना किसी पे मेडिसिन मिलती है ऐसे, और छोटी मोटी चीज का जो प्रॉब्लम होता है तो फिर वो वहाँ पर इंटरटेन नहीं करते, कोई बड़ा इशू होता है तो इस तरह से। तो आपने ये क्लियर कर दिया, थैंक यू सो मच सर। नहीं ऐसे ऐसे चले, बेहतर है आपने पूछ लिया, बट ये कि ऐसे कोई इश्यूज नहीं होते यार, ऐसी चीजों में ना जाया करें, फोकस करें अपने अपने गोल्स पे। और अपने गोल्स ये रखें कि आपने अगर स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है तो करनी है, ठीक है। वो आगे के कॉन्सिक्वेंसेस अल्लाह जानता है, उसको आप ध्यान में ना रखा करें, जिंदगी किसकी कैसी है नेक्स्ट में कुछ पता नहीं होता। तो सर किसी एक और को फाइनल प्लीज कुछ क्वेश्चन, बता। एक और भी था। जी, वन बाय वन। सर आपने लिखा है ग्रुप में कि हमें ना रिसर्च प्रपोजल भी चाहिए, तो रिसर्च प्रपोजल खाली पीएचडी वालों के लिए नहीं होता, हमें तो सिर्फ मेरे ख्याल में मास्टर्स के लिए मोटिवेशनल लेटर ही चाहिए होता है, जी तो बिल्कुल, मैंने ये कंफर्म करना था कि रिसर्च रिसर्च प्रपोजल जो है वो पीएचडी वालों के लिए रिक्वायर्ड होता है, एमएस वालों के लिए स्टडी प्लान, मोटिवेशनल लेटर और इस तरह के डिफरेंट नाम दे दिए जाते हैं। थोड़ा बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है इन डॉक्यूमेंट्स में, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टडी प्लान, मोटिवेशनल लेटर, यही चीज़ें होती हैं मतलब एमएस लेवल पे। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल जो होता है वो पीएचडी के लिए होता है। ठीक है सर, वो असल में आपने ग्रुप में लिखा हुआ था तो मैंने कहा ये तो पीएचडी के लिए होता है, लेकिन चलो जी ये जी भी जी कंफर्म हो गया। चलें, जल्द से जल्द जो है ना वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फैजान भी को मैंने थोड़ा सा टाइम देना है, तो फैजान पे भी आपको इटली का थोड़ा सा बताएंगे क्वेश्चन जो है जर्मनी का। वो फैजान भी इधर जर्मनी का कितने क्वेश्चन किया, कनाडा का क्वेश्चन जो है वो फैजान भी से पूछते हैं, शायद उनको कोई हो आइडिया। उसके अलावा किसी ने जापान का पूछा है और जर्मनी का पूछा है। उसके अलावा एक सवाल है कि वांट टू रिसर्च इन फॉरेन आफ्टर माय सेकंड सेमेस्टर ऑफ एमफिल। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप का मैंने तरीका बता दिया है, सेम प्रोसेस होता है अप्लाई करने का, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, बस इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो कि आप करते हैं साल तो पे रिकमेंडेशन लेटर वगैरह कॉलेज से बनवाते हैं, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। चाइना और इटली में टेंटेटिव डेडलाइंस का हमने बता दिया कि
नवंबर से आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, मोस्टली आप अगस्त में जो है एक्सेप्टेंस लेटर लेने की कोशिश करते हैं चाइना में, ठीक है, और नवंबर तक आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वो इटालियन यूनिवर्सिटी की एग्जाम भी बता देंगे डिटेल आपको, हेल्थ इश्यूज का हमने क्लियर कर दिया है। डिग्री का किसी ने MS इलेक्ट्रिकल में कहा है, तिरुगार मैंने बता दिया, चाइना का अबाउट स्कॉलरशिप्स का भी मैंने बता दिया कैसे स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, इटली का एग्जाम भी बताएंगे, वैसे इटली का सवाल है। मेडिकल की स्कॉलरशिप भी इसी तरह सर्च की जा सकती है, ठीक है, इंटरमीडिएट के बाद आप इस तरह सर्च कर सकते हैं बैचलर डिग्री का फिल्टर लगा के चाइना के लिए। फिर आगे ME स्कॉलरशिप इन फॉरन वो भी बता दिया जी, मास्टर की स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करनी है, यूरोप स्कॉलरशिप एग्जाम भी बताएंगे, फुली फंडेड स्कॉलरशिप विदाउट आयल्स सर्टिफिकेट, आयल्स एक ऑप्शनल चीज है, हो तो बेहतर है, ठीक है, ऐसा ही सर्च किया जा सकता है, हर यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, वो आप चेक कर सकते हैं आयल्स की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो इसके अलावा श्रीलंका से किसी एप्लीकेंट ने किया है, वो काफी लंबा सवाल है, उसको क्लेरिफाई करते हैं, फैमिली आप ला सकते हैं, बाद का इशू है, ऐसे नहीं ला सकते, कंट्रीज की एम्बेसीज वो डिसाइड करती हैं कैसे आपने लाना है। ओके जी, चलें मैं फजानवी को माइक हैंड ओवर करता हूँ ताकि वो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें इसकी का, और ऑलमोस्ट टाइम हमारा जो है ना काफ़ी स्पेंड हो गया है इस पर। तो फैजान भाई आप जो है अपना कंटिन्यू कर सकते हैं प्रोसेस, काइंडली बता दें। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है सबको? जी, बिल्कुल फरहान दिया आ हियर रही मी है। गाइस? जी, अच्छा, तो जैसा कि आप लोग भाई ने आप सबको जाइना के बारे में गाइड किया, काफी अच्छा गाइड किया, काफी डिटेल में गाइड किया। और अब क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं या जो एप्लीकेंट्स हमारे पास मैसेज हमें करते रहते हैं गाइड करने के वाले से, तो वो यूरोप की अपॉर्चुनिटीज के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो उस हवाले से अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली आज मैं आपको इटली के बारे में कुछ बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जो स्पेसिफिकली के बारे में पूछ रहे थे कि क्या प्रोसीजर है और आप कैसे गए। वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपको कैसे स्कॉलरशिप मिली एंड व्हाट वाज द प्रोसीजर। तो आई विल टेल यू समथिंग अबाउट दैट। देखिए, यहाँ पे इटली में जो सीन है वो थोड़ा चाइना से डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये सीन है कि आपको एडमिशन अप्लाई करना पड़ता है यूनिवर्सिटी में, आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोवाइड करती है और देन आप जो है स्कॉलरशिप की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो अब यह है कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपका मेजर कौन सा है, आपने कोर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो कोर्स आप कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए सिंपल जो है वो प्रोसीजर है। यहाँ पे दो वेबसाइट्स हैं जो कि मोस्टली यूज होती हैं अगर हम यूरोप के वाले से स्कॉलरशिप फाइंड करने की बात करें। और स्पेसिफिकली अगर इटली की हम अगर बात करें तो universitaly.it, ये मैं बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स को बता भी चुका हूँ कि इस वेबसाइट पे आप जाते जो है वो अपना इटली से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज है उनमें अपना डिजायर कोर्स फाइंड कर सकते हैं। universitaly.it ये एक वेबसाइट है जिसमें आप सिर्फ प्योर इटली इटालियन यूनिवर्सिटीज जो है आप फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्ड कोर्स। ओके, अब इस वेबसाइट पे कोर्स कैसे फाइंड करने हैं, आपने फिल्टर कैसे लगाना है, वो सारी चीज़ें मैंने ग्रुप में ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस की हुई हैं। और मैंने जो है क्या नाम है अपना उसको डिफाइन भी किया हुआ है एक वीडियो में। एक्सक्यूज मी। जी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो ये वेबसाइट है universitaly.it, में अगेन जो है वो ग्रुप में भी ये आपको सेंड कर दूंगा इसका लिंक। और दूसरा है masterspoker.com। ठीक है, अब
masterspotal.com से आप जो है ना सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि ओवर ऑल द वर्ल्ड आप जिस भी कंट्री में अपनी यूनिवर्सिटी फाइंड करना चाहें आप कर सकते हैं, लाइक जर्मनी, इवन यूके, यूएसए में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। और आप चाहते हैं कि आपको कैसे पता चले कि किस यूनिवर्सिटी में आपकी जो फील्ड है या आपका जो कोर्स है वो ऑफर किया जा रहा है, तो आप मास्टर्स पोर्टल पे जाके और वहाँ पे इजीली जो है ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। और इस हवाले से भी मैंने ऑलरेडी जो एक वीडियो बनाई हुई है वो मैंने जरूर सेंड कर दी। ठीक है, तो ये दो वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप जो है वो यूनिवर्सिटी फाइंड कर सकते हैं। आज जो कि हम स्पेसिफिकली इटालियन स्कॉलरशिप पर एडमिशन को टच कर रहे हैं, तो इटली में प्रोसीजर मैंने आपको जैसे बताया कि पहले आपको एडमिशन लेना पड़ेगा और फिर आप स्कॉलरशिप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे स्कॉलरशिप कौन-कौन से अवेलेबल हैं, यहाँ पे 3 तरह के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मेरिट स्कॉलरशिप की। ठीक है, मेरिट स्कॉलरशिप्स जो है वो क्या होती हैं, बेसिकली ये यूनिवर्सिटी आपको खुद प्रोवाइड करती है जहाँ पर आपको एडमिशन मिलती है, जिस भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करते हैं। अगर उस यूनिवर्सिटी में कुछ इस तरह की पॉलिसी अवेलेबल है कि वो मेरिट स्कॉलरशिप स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से, तो वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन उसका क्राइटेरिया होता है, लाइक किसी यूनिवर्सिटी में जो है वो आपको टॉप 10 के अंदर आप अगर आते हैं तो वो टॉप 10 को जो है वो मेरिट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। किसी जगह पे ये होता है कि जी टॉप 5 स्टूडेंट्स हैं तो वो टॉप 5 स्टूडेंट्स को जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, और किसी यूनिवर्सिटी में टॉप 30 का क्राइटेरिया भी है। अब ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे कि आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपका मोटिवेशन लेटर जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, सही है, आपकी CV कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपने कहाँ कहाँ जॉब की, आपको फील्ड की नॉलेज कितनी है, यानी आपने कहीं पर अगर जॉब वॉब की है या इंटर्नशिप की है, प्रोजेक्ट्स किए हैं, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड होती हैं। ठीक है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके प्री डिफाइंड होते हैं, वो तो आपको बने बनाए मिलते हैं, लाइक रिकमेंडेशन लेटर हो गया और बाकी सारी चीज़ें, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। तो एक तो है आपके मेरिट स्कॉलरशिप जो कि आपको यूनिवर्सिटीज को प्रोवाइड करती हैं, लेकिन हर यूनिवर्सिटी ये प्रोवाइड नहीं करती, कुछ यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे जिनकी पॉलिसीज है और वो है आपको प्रोवाइड करते हैं। और इसमें भी जो अमाउंट है वो कोई फिक्स नहीं होता, हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से मेरिट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज में जो है वो कुछ अमाउंट होता है, कुछ में जो है वो अलग होता है। तो एक ये स्कॉलरशिप है और दूसरी ये है कि रीजनल स्कॉलरशिप होती है जो कि आपको लाजमी अप्लाई करनी होती है। ठीक है, यानी आपको एडमिशन मिल गया, अब आपका नेक्स्ट स्टेप होता है रीजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना। अब रीजनल स्कॉलरशिप वो स्कॉलरशिप होती है जिसे हम गवर्नमेंटल स्कॉलरशिप कहते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को ही हम रीजनल स्कॉलरशिप कहते हैं। इसका क्राइटेरिया ये है कि ये टोटली बेस्ड होती है आपकी एनुअल इनकम पर, यानी आपकी जो यानी आपका आपका जो गार्डियन है या आपको जो यानी कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके फादर हैं, जो भी हैं, जो आप एक्सपेंस बियर करते हैं, या अगर आप खुद हैं, ठीक है, अगर आप खुद कमाते हैं तो आपकी एनुअल इनकम कितनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो तो उसमें देखी जाती हैं। और यहाँ पे ये सुने के अब इसको अप्लाई हम कैसे करते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं ना तो उस यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग रीजन होता है, सही है, यानी यहाँ पे कुछ रीजन्स बने हुए हैं और एक रीजन के अंदर एक दो तीन इस तरह यूनिवर्सिटी जो है एक रीजन के अंदर काउंट होती है। तो हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो है वो उनका एक अलग प्रोसीजर होता है रीजनल स्कॉलरशिप का। अब मिसाल की बात है, मुझे जो स्कॉलरशिप एडमिशन मिल गया फॉर सपोज यूनिवर्सिटी ऑफ कतानिया की अगर हम बात करें, तो यहाँ का रीजन क्या है, यहाँ का रीजन एरसू रीजन कहलाता है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ सपेंजा है रोम में, उनका जो रीजन है वो लाजियो डिस्को है। ठीक है, इसी तरीके से हर यूनिवर्सिटी का अपना एक रीजन है, तो वो अपने रीजन के हिसाब से उस वेबसाइट पर जाते हैं अपने रीजन की और वहाँ पे जाके कॉल देखते हैं कि जो न्यू एडमिशन हुए हैं यानी साल जिनको एडमिशन मिले हैं तो उनकी जो स्कॉलरशिप्स हैं वो उनके लिए कॉल कब ओपन हो रही है। ठीक है, तो वो जब आप देखेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि इस डेट को जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और देन आपने सीधे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, लेकिन आपके पास एडमिशन का होना शर्त है। सही है, एडमिशन के बाद आप जाएंगे उस स्पेसिफिक रीजन में, जिस रीजन में आपकी यूनिवर्सिटी आती है उस वेबसाइट पे आप जो है वो अपना फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म
करने के बाद उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जाहिर है वो हर रीजन के वेरी करते हैं, कहीं पे जो है वो एपीआर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होते हैं, कहीं पे जो है वो कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, मतलब वेरी करता है, ये हर रीजन का थोड़ा डिफरेंट प्रोसीजर है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बताया कि इटली का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, और जैसे आप हफ्ता भाई ने बताया उससे काफ़ी जो है वो ये मुख्तलिफ आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से रीजन फाइंड करते हैं, और फिर जाके रीजन रीजनल जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तीसरी है कि स्कॉलरशिप है जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाती है, और ये जो कि पाकिस्तान के लिए पहले एलिजिबल नहीं था, और इस दफा से जो है वो पाकिस्तान भी एलिजिबल हो गया है। लेकिन उसमें यह है कि आपको जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वगैरह और ये सारी चीज़ें भी रिक्वायर्ड होती हैं, जो मैंने आपको रीजनल बताई उसमें जो है वो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती। यहाँ पर इस स्कॉलरशिप में आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी प्रोवाइड करनी होती है, और इस हवाले से मैं जो है वो एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि पहले पाकिस्तान इसमें इंक्लूडेड नहीं था, इस दफ़ा जो है वो इसमें इन्होंने इसको शामिल किया है, यानी जब हम अप्लाई कर रहे थे तो ये वाली नहीं थी। तो बाकी अगर हम बात करें तो ये तीन तरह की स्कॉलरशिप होती हैं। अब पहली दो स्कॉलरशिप मैंने आपको बताई, मेरिट स्कॉलरशिप और रीजनल स्कॉलरशिप। अब हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है, जैसा कि कोई कोई यूनिवर्सिटी दोनों स्कॉलरशिप अलाउ नहीं करती, ठीक है। किस किस यूनिवर्सिटी में आप दोनों स्कॉलरशिप भी जो है वो अवेल कर सकते हैं, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, ठीक है। आपको मेरिट है, आप रीजनल भी ले सकते हैं, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपके पास कोई एक हो, यानी रीजनल आप ले रहे हो तो आपके पास रीजनल और मेरिट नहीं ले सकते, अगर आप मेरिट ले रहे हैं तो आपके पास रीजनल नहीं होनी चाहिए, आप चूज नहीं कर सकते, ठीक है। और इसी तरीके से जो है वो ये प्रोसेस होता है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि एडमिशंस जो हम अप्लाई करते हैं अंदर यूनिवर्सिटीज में, उनके लिए कौन कौन सी जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। मैं मास्टर्स की बात करूंगा, ठीक है। पीएचडी काफ़ी कोई प्रोसेस के इतना डिफरेंट नहीं है, उसके ऊपर आपको पीएचडी के लिए ऐसे प्रपोजल रिक्वायर्ड होता है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है सबसे पहले तो फोटोग्राफ्स हैं, वो तो अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस है, वो तो बताना जरूरी नहीं है। व्हाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफ चाहिए होती है आपको, पासपोर्ट साइज, वैलिड पासपोर्ट आपका होना चाहिए, एटलीस्ट आप उसकी जो वैलिडिटी है ना वो 1 साल तक हो, क्योंकि आपका जो है वो वीज़ा वगैरह प्रोसेस होता है तो उसमें काफ़ी वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आपका पासपोर्ट जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी एक मिनिमम वैलिडिटी 1 साल तक अवेलेबल हो जब आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपकी जो है वो डिग्री आपकी बैचलर्स की है वो, और उसकी जो है वो ट्रांसक्रिप्ट ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए, होप सर्टिफिकेट वगैरह इसकी तरफ जो है वो आप नहीं देगा, आपको डिग्री हाथ में मिले, ट्रांसक्रिप्ट हाथ में हो आपकी, तो उसके बाद आप जो है वो प्रोसेस के लिए जाए। उसके बाद है रिकमेंडेशन लेटर्स, जो दो आपको चाहिए होते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से किसी दो टीचर से मिनिमम आपको चाहिए होते हैं। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आप अपने मैनेजर से भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसमें जो आप ईमेल प्रोवाइड करेंगे वो कंपनी की ऑफिशियल ईमेल होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या फिर आइल्स, अगर आइल्स है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, और उसके फायदे भी फिर बहुत ज़्यादा हैं, जाहिर है फिर कैसे स्ट्रॉन्ग होता है, और नहीं है तो फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी आपका काम आ जाएगा। और नंबर 7 पे अगर हम बात करें मोटिवेशन लेटर, तो मोटिवेशन लेटर यहाँ पे बहुत एक इम्पोर्टेंट सी चीज़ है, और ये चीज़ जो है वो आपने इस पर जो है वो कुछ ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये आपने खुद बनानी है। मोटिवेशन लेटर यही चीज़ होती है जो कि आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है, लेकिन यहीं से पता लगता है कि कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है या नहीं है एडमिशन के लिए, क्योंकि बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को इतना गौर से नहीं देखा जाता जितना आपके इस मोटिवेशन लेटर को देखा जाता है कि आपने कितना जो है वो अच्छा इसको लिखा है, सही है। इसमें आप सारी चीज़ें बताते हैं कि आप जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं वो पिछली डिग्री जो आपने की है बैचलर्स में जो आपने स्टडी किया है उससे लिंक है कि नहीं है, रिलेटेड है कि नहीं है। यानी एक चीज़ अगर रिलेटेड ही नहीं है तो फिर एडमिशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो वो आपने रीजन्स बताने होते हैं कि भाई आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, मोटिवेशन क्या है इसके पीछे, और आप प्रीवियस एजुकेशन से रिलेटेड है कि नहीं है। तो मोटिवेशन लेटर इज द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन कंसिडरेशन
यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर इट एनी आठ नंबर पे रिसर्च प्रपोजल जो कि सिर्फ पीएचडी वालों के लिए रिक्वायर्ड है, मास्टर्स वालों को कोई जरूरत नहीं है इस केस के लिए उसको प्रिपेयर करने की। और देन आता है सीवी, ठीक है। सीवी जो है वो आपके रेज्यूमे जो कि यूरोपास फॉर्मेट में होनी चाहिए, और यूरोपास फॉर्मेट के लिए आप सिंपली गूगल पर जाएँ और क्रिएट यूरोपास सीवी ऑनलाइन आप लिखेंगे तो यूरोपास की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी गूगल पर। उस वेबसाइट पर जाकर आपने जो है वो सिंपली यूरोपास सीवी अपनी डेटा पुट करनी और सीवी खुद ब खुद जनरेट हो जाए, ठीक है। सीवी पर आपने ये गौर करना है कि आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस वगैरह जॉब एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो भी हैं आपकी वो सारी जो है वो आपने उसमें शो करानी है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में सच है इंटर्नशिप, जैसे मैंने आपको बताया वर्क वर्क एक्सपीरियंस है आपका, कहीं पर सेमिनार्स वगैरह अटेंड किए हैं, वेबिनार्स हैं, ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं, वाट्स एवर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी हैं। इवन अगर स्पोर्ट्स वगैरह में भी आप इंटरेस्ट रखते हैं तो जो है वो आप जो है वो भी लाजमी इसमें शो करेंगे। तो ये जो है वो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे जो कि लाजमी चाहिए आप जब इसमें के लिए अप्लाई करते हैं अपने एडमिशन के लिए, और जब आपको फिर एडमिशन मिल जाएगा तो फिर आप अपनी रिव्यू करते जाते हैं, ठीक है। एंड देन जो है वो फर्दर जो है वो प्रोसेस होता है वीज़ा के लिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि मैंने ज़रूरी समझा था, पहले मैं बता चुका हूँ ये चीज़ें बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है, वो स्टूडेंट अभी भी आज भी इस मीटिंग में हो, मैंने आज दोबारा भी आपको ये चीज़ें बता दी हैं, होप तो कि आपको समझ में आ गई होगी, अगर फिर भी नहीं जो है वो कोई बात समझ में आ रही तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैं अभी देखता हूँ आपके जो सवाल रिसीव हुए हैं ऑनलाइन फॉर्म में तो उनके भी आंसर प्रोवाइड कर देता हूँ जी। अगर अभी किसी को क्वेश्चन है जो भी मैंने अभी कहा यहाँ पे उससे रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हैं। भाई यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटानिया में ना एक ऑप्शन आती है प्री इनरोलमेंट प्रोसीजर वाली, एक उसको एक्सप्लेन कर दें और एक टेंटेटिव डेट बता दें, जिस तरह चाइना की इन्होंने बताई है कि हम लोग ईमेल करना स्टार्ट कर दें, मतलब अगस्त से स्टार्ट हो जाता है तो नवंबर दिसंबर में कहीं हमें अप्लाई करना होता है, तो इस तरह की इटली की भी ना टेंटेटिव डेट बता दें ताकि हम पहले से प्रिपेयर्ड रहें। जी 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 ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, इस चीज़ को मेरे ख्याल से डिफाइन करना चाहिए। देखें जो ईमेल जिस तरह आपका भाई ने आपको कहा ना कि चाइना में आपको ईमेल करना जो वो पड़ती है कि आप एक्सेप्टेंस के लिए प्रोफेसर को रिक्वेस्ट करते हैं, जहाँ इसलिए मैं ये सबसे एक जो है वो बड़ा बेनिफिट है कि आपको किसी को ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, आपको किसी प्रोफेसर को ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, आपने सिंपली एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो पहले फैकल्टी लिस्ट को फाइंड करें एंड देन आप ईमेल करें, और आप सिंपली जो है वो एडमिशन जब कॉल ओपन हो रही है जो रिसीव की तो जो जिसके मैंने सोर्सेज आपको पहले बताए हुए हैं वेबसाइट वहाँ से ही आपको पता लगेगा कब ओपन हो रही है, तो आप वहाँ पे सिंपली जाके यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप सबमिट करते हैं अंदर से। और ये जो है वो यहाँ का बेनिफिट है। और उसके साथ जो आपने सवाल किया कि प्री इनरोलमेंट का, देखें प्री इनरोलमेंट होती है जब आपको एडमिशन लेटर हाथ में मिल जाए, जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर यूनिवर्सिटी सेंड करती है वाया ईमेल, या आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाती है कि भाई आपका इस प्रोग्राम में एडमिशन हो चुका है और आप इस कोर्स में जो है वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो प्री इनरोलमेंट होता है जो कि यूनिवर्सिटी डॉट आई टी पर जाकर आपको प्री इनरोलमेंट करनी होती है। वहाँ पे जाके आपको सिंपली एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है और उस फॉर्म को हम प्री इनरोलमेंट फॉर्म कहते हैं, उसमें आपने अपनी जो है वो सिंपल बायोडाटा डालनी होती है, पासपोर्ट वगैरह, जिस कोर्स में आपका एक्सेप्टेंस लेटर मिला है वो आपने जो है वो बताना होता है, जिस कोर्स में आपकी जो है वो एडमिशन हुई है, कहाँ किस यूनिवर्सिटी में हुई है, सारी चीज़ें जब आप फिल कर लेते हैं तो जो है वो आपको कुछ टाइम बाद आपको समरी फॉरवर्ड कर दी जाती है आपको, और आप ये जो कंसलेंट एम्बेसी है यहाँ जो कंसुलेट है, यानी अगर मैं बात करूँ जो लोग पंजाब से हैं और केपीके से ताल्लुक रखते हैं तो वो लोग वीज़ा सबमिशन करते हैं अपना इस्लामाबाद एम्बेसी में, और जो लोग सिंध और अपना क्या नाम है बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो कराची कंसुलेट में अपना वीज़ा फाइल करते हैं,
इसी तरीके से आपकी जो कंसर्न्ड एम्बेसी या कॉन्सुलेट होगी उसको भी एक एमएलटी सॉरी एक समरी फॉरवर्ड कर दी जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, और आपको भी वही सेम समरी फॉरवर्ड कर दी जाएगी, जिसके बाद आप फर्दर अपने वीजा के प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। फैजान भाई, मेरा भी एक क्वेश्चन है, अगर इजाज़त हो तो। जी, आप बताएं। जी फैजान भाई, तो मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और मैंने तो मास्टर्स जो की थी श्रीलंका से, मैंने वो भी स्कॉलरशिप की थी तकरीबन 2016-17 में। तो फिर मैंने मतलब एनजीओ वगैरह में कुछ जॉब वगैरह और फिर कुछ टीचिंग वगैरह की जॉब की। अभी मैं अप्लाई करना चाहता हूँ पिछले साल से तकरीबन, लेकिन जो जब भी मैं यूनिवर्सिटी के साइट पे चला जाता हूँ और जो पीएचडी की एप्लीकेशन कॉल होती है उसको मैं मतलब चेक कर लेता हूँ, तो बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिकुलर लाइफ साइंस उससे रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने दिए होते हैं, तो मतलब मेरा जो रिसर्च एरिया है, क्योंकि मैंने रिसर्च की थी, थीसिस लिखी थी, रिसर्च तो पर से नहीं की थी, मतलब रिसर्च आर्टिकल पब्लिश नहीं की थी, तो वो एंडेल मार्कर्स पे थी, इंसर्शन डिलीशन मार्कर, मॉलिकुलर मार्कर जो होते हैं डीएनए में। तो अब जब मैं कोई भी एप्लीकेशन, मतलब मैंने सारी पीएचडी की जो कॉल्स थे वो मैंने स्टडी की इंडिविजुअली, जब मैं चला जाता हूँ उसी कॉल पे की मतलब यहाँ पर प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, तो मेरी फील्ड से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट मैंने नहीं देखी अभी तक। तकरीबन 19 यूनिवर्सिटीज मैंने सर्च की जिनकी एप्लीकेशन फी नहीं थी, सच बताओ तो मैंने सर्च की सारी की सारी, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी में मेरे रिसर्च से रिलेटेड कोई भी फील्ड मतलब ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है। तो अब इसका क्या हल होगा, मतलब क्या मुझे करना चाहिए, क्योंकि मेरे सब कुछ मतलब रिसर्च प्रपोजल सारे सब कुछ मतलब मेरी रेडी है, मतलब रिकमेंडेशन लेटर, मोटिवेशन लेटर सब कुछ रेडी है, लेकिन अब मसला ये हो रहा है कि मेरा कोई रिलेशन नहीं बन रहा है उस रिसर्च प्रोजेक्ट से, तो अब मुझे क्या करना होगा, आप अगर रहनुमाई फरमाए। थैंक यू। जी, देखें इसके लिए जो चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, तो एक तो आप ऐसा करें कि हमारे पास फेसबुक पर जो है ना वो पीएचडी स्कॉलर के ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, डायरेक्टली में पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्चर काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो उसमें ऐसा है कि वो आप ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ पे ये क्वेरी जो है वो पेश करेंगे, भाई मुझे जो कोई जो है वो कोर्स नहीं मिल रहा है इससे रिलेटेड, अपने जो डिजायर्ड जो मेरा जो वो फील्ड है एरिया है तो वो उस हिसाब से मैं फाइंड नहीं कर पा रहा प्रोजेक्ट, तो आपको वहाँ से कहीं ना कहीं से जो है ना कोई ऐसा पर्सन या रिसर्चर आपको जरूर मिलेगा जो कि इसी चीज़ पे काम कर रहा होगा टीम के अंदर, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप यूनिवर्सिटीज जहाँ पे आप देखे ना जो है वो एक फील्ड के अंदर डिफरेंट एरियाज हैं, तो अगर आप यूनिवर्सिटीज जिस पर आप कह रहे हैं कि आप अपनी फील्ड से अगर आपने कुछ यूनिवर्सिटी फाइंड की लेकिन उनके अंदर प्रोजेक्ट जिस एरिया में आप काम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, तो आप वहाँ पे जाके कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर सकते हैं उनके, ठीक है, उस डिपार्टमेंट के उस फील्ड से उस फैकल्टी के कोऑर्डिनेटर से आप रब्ता करें, वो आपको कि जो है वो डिटेल वहाँ पे मिल जाए, तो उनको ईमेल करें कि मैं फलाना स्टूडेंट हूँ और मैं पीएचडी पर अप्लाई करना चाहता हूँ, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है, आप काइंडली मुझे जो है वो इस हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दें अपनी यूनिवर्सिटी में, तो वो आपको जरूर या तो किसी सुपरवाइजर का जो है के लिए जो है वो आपको रिकमेंड कर देंगे कि आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो या फिर वो आपको जो है वो खुद ही जो है वो गाइड कर देंगे कि अगर वो यूनिवर्सिटी में अपनी यूनिवर्सिटी में कोई उस तरह की जो है वो प्रोजेक्ट को ला रहे हैं या फिर कुछ एडिशनल कॉल्स वगैरह भी आती हैं तो वो आप फर्दर जो इस हवाले से बता देंगे। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि फेसबुक पर जो है वो रिसर्चर्स की और पीएचडी स्कॉलर स्पेशली जो है वो इटली के अगर हम बात करें तो ग्रुप बने हुए तो वो वहाँ पे आप अपनी फील्ड के लोगों को कैच कर सकते हैं, तो जब आपको अपनी फील्ड के लोग जो इटली में काम कर रहे हैं वो जब आपको मिल जाएंगे तो फिर आपके लिए आसानी होगी। आई होप सो आपको ये आंसर। ऑलराइट, या थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं कोशिश करूंगा फिर इंशाल्लाह, फिर अगली शायद जो भी मीटिंग थे उसमें आपको अपडेट करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा फैजान भाई, टेंटेटिव डेट्स इसके आपने नहीं बताई, मतलब कब से कॉल शुरू होगी और क्या हो सकता है, मतलब कब से स्टार्ट है? जी, आप जो है ना वो नवंबर से जो है बैचेस के लिए स्टार्ट होना जो है वो एप्लीकेशन जो है वो फिर होना स्टार्ट हो जाती है, तो आप नवंबर से जो है वो दिसंबर जनवरी मास्टर्स और इस तरह जो है वो
जुलाई तक ये एप्लीकेशन चलती है, ठीक है। तो आप नवंबर से जो है वो अपडेट जो है वो चेक करना शुरू कर दें, वेबसाइट्स विजिट करें, और ये जो मैंने आपको कोर्स फाइंड करने के लिए जो है वो बताई है वेबसाइट, उन पर जाके आप अभी से सर्च करें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आपका डिपार्टमेंट जो है वो ऑफर्ड है। तो फिर आप उस हिसाब से जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को लिस्ट बनाएं, लिस्ट बनाने के बाद आप जो है वो अप टू डेट रहें वहाँ पर, तो उसके बाद आपको जो है वो पता लगेगा जब भी स्टार्ट होगी ना एप्लीकेशन। ठीक है फैजान भाई, मेरी क्वेरीज तो सारी खत्म होगी अब। अच्छा, एक भाई ने जर्मनी से रिलेटेड कॉल किया था, तो मैं जो है वो जर्मनी से रिलेटेड कुछ बताना चाहूँगा। देखें वो स्कॉलरशिप के बारे में पूछ रहे थे, तो जर्मनी में ज़्यादातर तो जो अगर हम बात करें स्कॉलरशिप, वो एक ही स्कॉलरशिप होती है ना, हो सकती है डार्ट के नाम से, जो कि कोई 24 मीटर स्कॉलरशिप होती है, और उसमें यह है कि वो काफ़ी, क्योंकि हाई कॉम्पिटेटिव स्कॉलरशिप होती है, तो उसके वजह से आपको जो है अपनी प्रोफाइल वगैरह जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो रखनी पड़ती है उसको अवेल करने के लिए। अगर आपकी प्रोफाइल लेना तो स्ट्रॉन्ग है तो आप श्योरली उसको अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपकी सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं। और इसके अलावा जो है वो जिस तरह की मैं प्रोसेस मैंने आपको बताया ना कि स्कॉलरशिप की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो जर्मनी में ऐसा नहीं है, आपको जो है वो स्कॉलरशिप कम मिलेंगी और ज़्यादातर आपको अपने खर्चे को पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे ये है कि आपको ब्लॉक अकाउंट जो है वो सबमिट कराना पड़ता है, शो कराना पड़ता है, जो कि पाकिस्तान में 35-40 लाख का बन गया है। वो आपका ब्लॉक अकाउंट होता है और वो पैसे आपके जो है 2 साल तक या 3 साल तक जितनी आपकी डिग्री है वो ब्लॉक अकाउंट में रहते हैं, और आप जब डिग्री कम्प्लीट करते हैं तो वो आपको फिर वो मिलते हैं। जर्मनी का ये प्रोसेस है। बाकी ये कि यूनिवर्सिटीज वगैरह आपकी तरफ प्रॉफर करती हैं, और वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, उनकी तादाद कम है, और कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो प्रॉफर करती हैं, लेकिन ये वहाँ पे एजुकेशन आपको फ्री मिलती है, तो ये एक बेनिफिट होता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो स्कॉलरशिप के हवाले से, जैसे स्टार्ट स्कॉलरशिप आती है, उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल वगैरह और सारी चीज़ें वगैरह वो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, और अगर वो आप अवेल कर लेते हैं तो दैट्स गुड। और बाकी अगर ओवरऑल यूरोप की बात करें, अगर आप स्कॉलरशिप है वो तो फिर जो है वो ओवरऑल यूरोप के लिए ही होती है, और उसमें उसका क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है, उसमें आपको जो है डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो अपने स्टडी करने का जो है मौका मिलता है अपनी डिग्री में, तो उसका थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट है। और जर्मनी के स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये सीन है। बाकी मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन आए थे मैंने देख किए हैं इससे रिलेटेड, तो उस हवाले से मैं ऑलरेडी सब बता चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं वेलकम करूँगा हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स, सर सोहेल हमारे साथ मौजूद हैं चाइना से। अच्छा थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक हियर। एक्चुअली मैं लेट हो गया, मैं एक्चुअली कुछ मसरूफियात की वजह से ना, तो मैं लेट ज्वाइन कर सका हूँ। तो अगर चाइना के हवाले से कोई भी मतलब क्वेश्चन हो तो मैं अवेलेबल हूँ टू आंसर यू ऑल। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है, जानना के अंदर अगर कोई पीएचडी को पशु करना चाह रहा है और उसके लिए कोई प्रोसीजर वगैरह है, तो सर आपको गाइड करना पड़ेगा। सॉरी फैजान, आपकी आवाज़ आई थिंक कट कट की आ रही है। एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई, कि आई थिंक माइक इशू और कुछ और। जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरा जो है, मैं यूनिवर्सिटी चजांग यूनिवर्सिटी में हूँ। दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन चाइना, 42 नंबर पे है। तो यहाँ पे मेरा भी 2019 ही बैच है। तो अगर कोई भी पीएचडी के हवाले से क्वेश्चन है या मास्टर के हवाले से है तो आई कैन गाइड यू ऑल। जी फिर तो गाइस, अगर आप लोगों में कोई कोई क्वेरी है चाइना से रिलेटेड, पीएचडी या मास्टर से रिलेटेड, तो आप जैसे पूछ सकते हैं। आपसे एक पूछना था चाइना के बारे में। जब हम प्रोफेसर को ईमेल कर रहे होते हैं तो हम अपना मोटिवेशनल लेटर भी साथ ही अटैच करें या बस ठीक होता है बस ईमेल लिखने नहीं साथ? नहीं मम उमर भाई, बस आप अपनी सीवी जो है ना अच्छी से एक बना लें,
और जो मेल फॉर्मेट है जो उसको आप भेज रहे हैं ना, क्योंकि एक तो बिल्कुल काफी लड़के जो है ना वो बिल्कुल बड़ी सी मेल बना के जो है ना वो भेजते हैं प्रोफेसर्स को, और प्रोफेसर्स के पास इतना टाइम ज्यादा नहीं होता कि वो, क्योंकि वो ज्यादा इतनी बड़ी ईमेल में, तो कोशिश करें उसको जो है ना ऑप्टिमाइज करें ईमेल को, और आप लोगों की अपनी जो सीवी है वो, और मास्टर की जो ट्रांसक्रिप्ट है ठीक है अगर है तो, वरना सीवी इज इम्पोर्टेंट आई थिंक सो, तो ट्रांसक्रिप्ट और आपकी सीवी वो अटैच करके, दिस इज मैंडेटरी फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स, पर मास्टर्स के लिए प्रोफेसर से सुपरविजन मतलब जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि विद मास्टर में जो ना मोस्ट जो लड़के हैं वो मतलब ओपनली ऐसे जो ना विदाउट सुपरविजन के लिए अप्लाई कर देते हैं, और वो मास्टर वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद उनका जो ना सुपरवाइजर जो ना वो डिसाइड होता है। जी उमर भाई, क्वेश्चन एक्चुअली फैजान भाई, एक्चुअली मेरा, मैं तो सी एस सी पे हूँ, आंसरों का इतना मुझे जो है ना वो ज्यादा मतलब उसकी नॉलेज नहीं है, तो काफी पेजेस हैं हमारे स्कॉलरशिप नेटवर्क हैं और भी काफी जो है पेजेस हैं फेसबुक पेजेस, तो वहाँ पे काफी आप लोगों को जो है ना मतलब वहाँ से इंट एक्चुअली मिल जाएंगे, अगर सी एस सी के हवाले से आप, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आई कैन गाइड यू ऑल। रिलेटेड या यूनिवर्सिटी आई थिंक सर नो वन हैज द सोहेल क्वेश्चन। भाई, यहाँ पे भी यूरोप का सीवी मैंडेटरी है चाइना में? देखिए अमर भाई, भले यूरो पास भी जमा करा दें कोई मसला नहीं है, अच्छी है, क्योंकि जब भी मैंने भी अप्लाई किया था तो मैंने भी जो है ना वो यूरो पास ही फॉर्मेट जो है ना वही मैंने भेजा था, तो ठीक है वो चल जाएगा, मतलब अच्छी होनी चाहिए ना, गुड लुकिंग होनी चाहिए आप लोगों की सीवी, स्पेशली अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि आप लोग जो सीवी में है मतलब एज अ कोऑथर किसी के पेपर में आप हैं, आप लोगों का नाम है ना, तो वो पेपर्स का जो है मेंशन करा दें, क्योंकि चाइना में ज्यादातर जो है ना वो पेपर पे ज्यादा मतलब फोकस किया जाता है, तो कोशिश करें कि एक दो पेपर अगर हैं, अगर किसी में आप एज अ कोऑथर का नाम है तो वो आप जो है ना वो डाल दें, तो आई थिंक दैट विल बी पॉजिटिव पॉइंट फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स आई थिंक सो। मैंने तो मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है और मेरे पास है सर, जो बीएस में मैंने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं किया या हाँ, कुछ भी ऐसा नहीं किया, कोई लेकिन कोई मेरे मसला नहीं है, पास कोई जॉब मसला है। नहीं है भाई, जी, बस ठीक है, कोई मसला, आप अपनी अच्छी सी सीवी बना, सीवी बना लें, अगर कोई डायरेक्ट आप जो है कांटेक्ट करते हैं सुपरवाइजर से बिफोर अप्लाइंग, तो मतलब ये पॉजिटिव पाइंट है ना अगर आप लोगों को सब मिल जाता है फॉर मास्टर्स, वरना मास्टर्स के लिए काफी यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्टेंस लेटर की जरूरत नहीं होती है, तो अगर आप कह रहे हैं कि हमें एक्सेप्टेंस मिल जाए तो ये एक जो है पॉजिटिव पॉइंट है, तो फिर आप उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं, तो अगर बिल्कुल ठीक है, अगर आपका जो पेपर नहीं है तो अब मतलब बैचलर लेवल तक आप लोगों की जो सीवी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। जी उमर भाई, अगर और कोई अच्छा क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सवाल पूछने हैं आफ्ताब भाई ने मेरे को कि गाइड कर जो दिया था काफी है कुछ, वो काफी सारे क्वेश्चंस में उसमें क्लियर हो गए थे। ऐसा जब भी तो अच्छा कोई कुछ भी नहीं बचा जो मैं पूछ सकूं, मतलब मैंने मीटिंग ज्वाइन करने से पहले कोई 5-10 पॉइंट्स लिखे थे चाइना के बारे में भी और इटली के बारे में भी, दोनों मैंने पूछ लिए हैं। अच्छा उमर भाई, आप जो ना हर जगह अप्लाई करते रहे हैं, मतलब चाइना इटली हो गया, यूरोप में भी और भी काफी अपॉर्चुनिटी है, बंदा बंदा अप्लाई करता रहे ना, सिर्फ चाइना को मतलब इटली को जो ना वो बंदा फोकस नहीं करे, और भी काफी ममालिक हैं, तो फिर कोशिश करें उनका मतलब, आप कुछ पेजेस हैं फेसबुक पे वहां पे जो है ना, और स्पेशली जो ना सॉरी फैजान भाई का भी है मेरे स्टूडेंट फैजान, और इसका काम मुझे देख के मुझे जो है बहुत अच्छा लगता है, और ये भी काफी जो है लोगों को गाइड कर रहे हैं, स्पेशली मुझे भी काफी हद तक जो है इसने मुझे गाइड किया है, तो बेहतर है इंशाल्लाह आप जो है ना आपको जल्दी कोई ना कोई स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मैंने भी करियर पॉइंट ढूंढना शुरू किया है, असल में पाकिस्तान में यहाँ पे ना इतना स्कोप कोई नहीं है। अभी मैंने बैचलर्स किया लास्ट ईयर, तो मतलब मैं 1 साल हो गया है इधर फील्ड में काम कर रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, आपको इतनी पेमेंट नहीं करते या
उस तरह की लेवल नहीं होता आपका, मतलब 40 हज़ार 45 50 हज़ार से ऊपर आप जा ही नहीं सकते। जी जी बिल्कुल। चलो आप अभी इस लेवल पे आई थिंक आप लोगों को जो ना पीएच मतलब स्कॉलरशिप जो है ना मास्टर के लिए स्कॉलरशिप मतलब बल इटली हो या चाइना हो मतलब बेहतर है, क्योंकि इतना आप लोगों को वहाँ पे सैलरी भी मिलती है, मतलब यहाँ से आपको जो पैसे मिलते हैं उससे आप अपना खर्चा भी निकाल सकते हैं और आपको इतनी सेविंग हो जाती है जितनी आपको अभी सैलरी ऑलमोस्ट अभी मिल रही होगी, तो इतना आप लोगों का सेव यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्या है, मतलब फॉरेन में अगर वापस पाकिस्तान में ना भी जो जी जी बिल्कुल। काफी अभी हमारे दोस्त हैं वो चाइना में, यहाँ पे जो है वो जॉब भी कर रहे हैं मतलब आफ्टर मास्टर्स ना, काफी इंडस्ट्रियल जॉब्स हैं मतलब कोशिश, क्योंकि काफी लड़के हैं जिनको चाइनीज आती है, तो जिनको चाइनीज आती है तो उनके लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है ना। काफी लड़के जो है ना वो मास्टर के बाद वो स्कूलों में प्राइवेट स्कूल्स में जो है ना वो जाके पढ़ाते हैं, तो फिर पाकिस्तानी मतलब 6-7 लाख रुपए जो है वो कमा लेते हैं। तो ये चीजें हैं, मतलब आपका जो ना विजन ब्रॉड होना चाहिए, मतलब आफ्टर मास्टर्स आपको पीएचडी है, पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक है, तो फिर आप लोगों का जो विजन जो है ना वो ज्यादा होना चाहिए, तो जाहिर बात है अगर जॉब भी मिल जाती है तो बंदा वो भी बेहतर है, ठीक है अच्छी बात क्या बाकी और कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है माइंड में मेरे? तो है। बस यही था जो मैंने पूछ लिया हुआ है। कि चाइना में जो है वो इंटरव्यू फैजान भाई आपकी आवाज बिल्कुल बिल्कुल जो ना सही नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। उमर भाई की आवाज बिल्कुल सही आ रही थी आपकी, आई थिंक माइक का इशू है, पता नहीं क्या इशू है, तो आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सही आ रही। आप मैं जो ना वो एक मैसेज टाइप कर दें, वो मैं ज्यादा जो ना आपको रिप्लाई कर देता हूँ मैं। जी, जी अच्छा, किसी का और कोई क्वेश्चन है यहाँ पे चाइना से रिलेटेड, या किसी किसी का सवाल हो इटली से रिलेटेड? अगर सवाल नहीं हो तो फिर फाइनल करते हैं। आप देख लीजिएगा वो अच्छा बिल्कुल। क्वेश्चन जी जो जी है फैजान भाई आपका मैंने क्वेश्चन देख लिया, एक्चुअली कुछ भी नहीं होता, इंटरव्यू जो है वो मतलब सुपरवाइजर अगर लेना चाहे तो ठीक है, वरना जितनी भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो इवोल्यूशन जो होती है वो आप लोगों की जो है सीवी और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप लोगों की जो ग्रेडिंग है उसके बेसिस पे होती है, बाकी जो है ना कोई भी रिटन टेस्ट इंटरव्यू वो भी आप लोगों का सुपरवाइजर लेता है, या कभी कभार जो है वो कॉलेज जो है कॉलेज की जो मतलब मैनेजमेंट होती है वो इन रेयर केस जो है ना वो इंटरव्यू ले लेते हैं, वरना वो भी नहीं होता। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 10% जो है ना वो इंटरव्यूज होते हैं, और मतलब जो 90% ऐसे ही आप लोगों की एवोल्यूशन जो डॉक्यूमेंट और आप लोगों की जो जितनी ग्रेडिंग होती है उस हवाले से होती है। और अभी आप लोगों को पता है कि सीएससी के रूल्स अभी कुछ सख्त हो गए, तो अभी आप सीएससी पे जो है ना पहले क्या होता था 3-4 यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते थे ना सीएससी में, तो अभी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं मतलब अंडर सीएससी, बाकी तो यूनिवर्सिटीज की अपनी भी स्कॉलरशिप्स होती हैं काफी, तो फिर बंदा उसमें भी जो है ना डायरेक्टली जो है ना उसमें भी अप्लाई कर सकता है। जी फिजान भाई जो है वो नहीं नहीं इसका सॉरी मैं कहना चाह रहा हूँ, एक्चुअली शेड्यूल ऐसा था और वीकेंड है चाइना में तो ऑलमोस्ट काफी कुछ और भी एक्टिविटीज होती हैं, तो फिर इस वजह से मैं लेट ज्वाइन ज्वाइन कर पाया, वरना मैं अवेलेबल हूँ किसी भी टाइम, डोंट वरी, थैंक यू सो मच। सवाल था कि जो ये फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जो होता है वो मेरा खो गया है, मतलब हार्ड कॉपी नहीं है मेरे पास जो मैंने, लेकिन अब जो मुझे एम्बेसी जाना होगा और इमिग्रेशन होगा तो मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए अगर मैं नया नया बनवाती हूँ तो मैं सब कुछ रिपोर्ट वगैरह जो मेरे पहले की वो वाली चल जाएंगी, या मैं दोबारा से सारा नया करवाऊँ रिपोर्ट्स भी सब कुछ? अच्छा चाइना के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं,
कर दिया मेरे डॉक्यूमेंट्स आए नहीं है, अभी वेट कर रही हूँ मैं, लेकिन मैं उसके लिए ही पूछना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए होगा ना फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म वहां दिखाने के लिए जब मैं वीजा लेने जाऊंगी। तो बेहतर ये कि वो आप एक और बनवा लें नया सा ना, वो रिपोर्ट्स वो चल जाएंगी। बाय द वे आप जब आप चाइना आएंगी तो फिर रिपोर्ट्स यहाँ पे जो है ना आपकी दोबारा होंगी, मेडिकल आप लोगों का मतलब दोबारा होगा। सिर्फ जो है वो चाइनीज एक्यूपेंचर है इस्लामाबाद में, सिर्फ उनका ही मेडिकल यहाँ पे वैलिड होता है। ऑलमोस्ट प्रॉबली मैंने देखा है कि उनका ही जो है मेडिकल यहाँ पे होता है, एक्सेप्टेबल होता है, वरना यहाँ पे दोबारा जो है ना ये मेडिकल करवाते हैं। तो फॉर वीजा पर्पज आई थिंक सो आपको जो है ना वो ही फिजिकल एग्जामिनेशन वाला वो एक बनवा के, जैसे आप लोगों ने पहले बनवाया हुआ है, अगर आप चाह रही हैं कि वही एग्जामिनेशन मेरा यहाँ पे चल जाए चाइना में, तो बेहतर ये है कि आप एमएस से, जो हॉस्पिटल का एमएस होता है ना फिजिकल एग्जामिनेशन, उसी किसी एमएस से साइन करवा के, और वही जो है मेडिकल फिजिकल एग्जामिनेशन मोफा से भी अटेस्ट होगा। जब वो मोफा से अटेस्ट हो जाए तो वो आपका चल जाएगा यहाँ पे चाइना में। आपने चाइनीज एक्यूपेंचर मेंशन किया वो हॉस्पिटल का, तो बेहतर है वो वहां से करवा लें क्योंकि वो यहाँ पे ना आगे दोबारा अगर वो आपके पास होगा तो वो पाकिस्तान से सस्ता पड़ेगा। यहाँ पे इनको आके 307 आरएमबी देने पड़ेंगे जो कि महंगा पड़ेगा पाकिस्तान। एग्जैक्टली 350 से 450 बिल्कुल। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल पाकिस्तान से चाइनीज एक्यूपेंचर लैब से करवा लें और वो हर जगह चल जाएगा, वो पाकिस्तान में भी चल जाएगा, बोखो में भी चल जाएगा और यहाँ यहाँ भी चल जाएगा, और दोबारा यहाँ से करवाना नहीं पड़ेगा, 300 भी देने नहीं पड़ेंगे। अब तो भाई एक्चुअली चाइनीज एक्यूपंचर सिर्फ आई थिंक सेंटर जो है इनका वहाँ पे इस्लामाबाद में ही है, तो जाहिर बात सारे लोग जो है पाकिस्तान से कोई कहीं पे दूर है, तो मतलब हर कोई बंदा जो है वो इस्लामाबाद आई थिंक नहीं पहुंच सकता, तो फिर दैट दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर आई थिंक जो पंजाब के लोग हैं, जो लाहौर के मतलब इस्लामाबाद के नज़दीक जो भी एरियाज हैं, तो फिर उनके लिए फिजिबल है आई थिंक सो। पर जिनका दूर है, क्योंकि मेरा भी जो है 2019 में जब मैं आया था तो मेरा जो है पाकिस्तान वाला जो मेडिकल जितना भी हुआ हुआ था, सिर्फ मेरा यहाँ पे एक्सरे हुआ था, बाकी जितना भी मेरा रिपोर्ट्स थी, मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट था, वो वाला चल गया था, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने जो मोफा से अटेस्ट करवाया हुआ था ना मैंने, तो मतलब वो यहाँ पे फिर मेरा दोबारा मेडिकल नहीं हुआ था। जी आपकी बात बजाय बजाय, लेकिन चूंकि अभी जो बंदे आ रहे हैं रिसेंटली, अभी जो बंदे आ रहे हैं उनको वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उनको ना वो जो हम सरकारी हॉस्पिटल से या किसी से करवाते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उनको दोबारा करवाना पड़ रहा है यहाँ पे इनकी उससे। जी बेहतर यही कि वही करवा ले बंदा। तो फॉर वीजा पर्पस आई थिंक सो वो जो आप लोगों का फिजिकल एग्जामिनेशन है ना वही बस फिलहाल करवा ले, वीजा लगवा ले, और अगर कन्वीनियंट है तो चाइनीज एक्सपेंचर से अपना फिजिकल एग्जामिनेशन बनवा ले, वरना आप लोगों जिन चाइना में जो है ना वो 400 युआन ऑलमोस्ट पाकिस्तानी जो है 17 to 18 thousand ऑलमोस्ट 400 RMB जो है इतना लग जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि अगर हम नया जो हमने उस टाइम अपलोड किया था और अगर हम नया जब दिखाएंगे उनको नया लेके जाएंगे तो वो यहाँ पे ये बोलें कि ये तो आपका अलग डेट का है और अब आप नया क्यों लाएं, पहला वाला दिखाएं? नहीं नहीं ऐसा ऐसा कोई इशू ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, ज्यादा आफ्ताब भाई है वहाँ पे वो भी चाइना में, तो फिर वो भी जो है अपना ऐड कर दें कमेंट्स। सर आप बेहतर फरमा रहे हैं, आप सही बता रहे हैं कि ऐसा कोई इशू नहीं होगा, जो आप टेस्ट करवाते हैं ना वो तो दरअसल आपकी एक नई वैलिडिटी आ जाती है कि यार ये एक रीसेंट टेस्ट करवाया है, तो वो एक अच्छा प्लस पॉइंट है नया मेडिकल यहाँ, क्योंकि मेडिकल आई थिंक चाइना में जो है ना जो आप लोगों का मतलब लास्ट 6 months आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग तो लास्ट 6 months वाला जो है मेडिकल जो है ना वो चल जाता है, अगर 6 months से ज्यादा पुराना होता है वो आई थिंक वो भी एक्सेप्ट नहीं करते, वो ना आप लोगों को बोलते हैं कि आप नया जो है फिजिकल एग्जामिनेशन अपलोड करें या वो हमें भेजें, आई थिंक सो ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो गाइस अगर
आप लोगों में से अगर किसी को और भी कोई सवाल पूछने हैं तो काइंडली आप पूछिए, ताकि फिर हम जो है वाइंड अप की तरफ जाएं। तो एनीवन हैज क्वेरी जी, प्लीज बस हम आस्क। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है मेरा सुहेल भाई से, वो ये कि जब हम ईमेल लिख रहे हैं प्रोफेसर से, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ईमेल का एक प्रॉपर पैटर्न बना लें, एक ही तो वही सब प्रोफेसर्स को मेल करी जाए, मतलब हर बार एक नई ईमेल बनाना। और नहीं, वही ईमेल फॉर्मेट हो, वही फॉर्मेट, ठीक है ना। लाजमी नहीं है कि आप हर किसी के लिए अलग अलग से फॉर्मेट, अलग अलग से बैठ के लिखें, पर ये है कि आप उसमें से जो एडिट करना है आपको ईमेल में, कोशिश करें, अगर आप प्रोफेसर का नाम लिख रहे हैं तो फिर वो केयरफुली उसको कोशिश करें कि उसका प्रोफेसर का जो नाम है ना वो मतलब ठीक मतलब से लिखें, जैसे हेलो प्रोफेसर हम बोलते हैं ऑलमोस्ट, जो है ना हेलो प्रोफेसर लिखें तो बेहतर ही है, वरना अगर नाम अगर लिख रहे हैं तो फिर एक वो भी अच्छा है। और स्पेशलिटी जो है, स्पेशलाइजेशन जो है, जिसमें हम मेंशन करते हैं ना कि सर आपकी जो स्पेशलाइज में है, जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो कुछ करें जिस प्रोफेसर को आप मेल कर रहे हैं तो फिर उसकी जो जो मतलब स्पेशलाइजेशन जो है वो भी मतलब वो मतलब लिखनी है। ऐसा ना हो कि वही जो ईमेल जो है वो कॉपी पेस्ट हम करते जाएं, क्योंकि हर प्रोफेसर की अपनी अपनी जो स्पेशलाइजेशन होती है, तो फिर ये प्रॉब्लम एक्चुअली क्रिएट करता है। वो उसको पता होगा कि इसको मेरे प्रोफाइल की नहीं पता, तो फिर ये मुझसे कैसे एक्चुअली जो है ना मतलब कांटेक्ट कर रहा है। तो फिर ये जब भी आप मेल करें तो फिर इसमें से मतलब केयरफुली जो है ना उनको आपने मेल करनी है। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो स्पेशलाइजेशन है वो हर प्रोफेसर की उसमें मेंशन करना लाजमी है, बस ये मेरा मेन क्वेश्चन था, वजह से मैंने क्योंकि ये अगर सवाल। ये करेंगे, क्योंकि आप उसको मेल कर रहे हैं मतलब एक्सेप्टेंस के लिए ना, तो और जाहिर बात है वो बंदा एक मंगवा रहा उठा रहा है मतलब अपने ग्रुप में, तो फिर वो जाहिर बात है ये चीजें दिखता है, और ये चीजें मेंशन मतलब लाजमी आप लोगों को करनी है। ये पॉजिटिव पॉइंट्स है ना आप लोगों का, कि इस बंदे को जो ना इंटरेस्ट है मेरे ग्रुप में। तो अगर मतलब आप लोग पता है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर का प्रोफाइल होता है, वहाँ पे उसकी स्पेशलाइजेशन जितनी भी है, उनका जो ना एरियाज जो भी है वो सारे मेंशन होते हैं। अगर बेहतर ये है कि अगर कोई उसका अगर एक पेपर आप लोगों को जो अच्छा लग रहा है, अगर उसका पेपर का अगर आप टाइटल भी मेंशन कर देते हैं, तो फिर उसको वो और ज्यादा वो इम्प्रेस हो जाता है कि यार इसको बंदे को जो है मतलब मेरे पेपर का भी पता है, तो मतलब ये ज्यादा इंटरेस्ट उसमें से लेगा। तो फिर ये जो है छोटी छोटी जो है पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को जो है मेंशन करनी है अपनी ईमेल में। वेलकम वेलकम डियर, वेलकम। जी, थैंक यू सो मच सर आपका भाई, थैंक यू सो मच। वाइंड अप की तरफ जाएं। यहाँ पे एक एप्लीकेंट है, इनका डॉलर साइन, अब इसीलिए हम कहते थे कि आप काइंडली अब अपना नाम, रियल नाम लिख लें ताकि हम आपको मुखातिब कर सकें। उन्होंने अब हाथ रेज किया हुआ था, लेकिन अब वो उन्होंने आई थिंक क्वेश्चन करना है। काइंडली आप जिन्होंने डॉलर साइन लगाया हुआ वो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन, उनका कोई है तो क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन इटली से रिलेटेड है। मैंने मास्टर चाइना से किया है और मेरा बैचलर 2 इयर्स का था, उसके बाद मुझे मास्टर मैंने चाइना से 2 इयर्स का किया है। तो इटली में आपको पीएचडी के लिए आपकी एजुकेशन जो है वो 16 इयर्स की होनी चाहिए। तो क्या ये ठीक है कि 2 इयर्स के बैचलर के बाद चाइना से 2 इयर्स का मास्टर, तो क्या मैं अब एलिजिबल हूँ पीएचडी के लिए इटली से? वो कहते हैं 18 इयर्स की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए तब आप एलिजिबल होंगे। आपने जो है वो रापता किया है यूनिवर्सिटी से, या आपको किसने मतलब बताया है कि 18 इयर्स की जो है नहीं रिक्वायरमेंट? नहीं मैंने किसी यूनिवर्सिटी से रापता नहीं किया। मैं ग्रुप्स में देखती रहती हूँ तो सीनियर यही गाइड करते हैं कि आपकी 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए और तभी आप एलिजिबल हैं आप इटली में पीएचडी के लिए। तो वैसे अगर देखा जाए मेरी 16 इयर्स बनती है, 14 इयर्स लाइक बैचलर 2 इयर्स का था, उसके बाद 2 इयर्स का मास्टर किए चाइना से। जी, तो आपको 2 साल और चाहिए होगा अपने एजुकेशन में, तो आप उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे और पीएचडी। जी जी, इसके अलावा किसी का क्वेश्चन भी हो? तो आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। फैज़ अहमद भाई बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। फैज़ान जायद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने ज्वाइन किया तमाम
तमाम डिफरेंट जो स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे फिर ये सेशन होगा, और उम्मीद है कि हमने डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर किया तो मजीद एप्लीकेंट भी होंगे। सवा थोड़ी एप्लीकेंट की तो साथ उतनी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन ये कि फिर भी काफ़ी लोगों ने अटेंड किया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम और मजीद भी आप अपने दोस्तों को बताएं बताएं कि ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो हमारे जो हमारी रेंज में हुआ, हम वो बताएंगे, जरूर बताएंगे। और अगर हम किसी से पूछ सकते हुए तो हम उससे पूछ के बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कनाडा का कुछ क्वेश्चन था यहाँ पे, और जापान का कुछ क्वेश्चन था, लेकिन आई थिंक वो एप्लीकेंट भी नहीं है जिन्होंने कनाडा और जापान का क्वेश्चन किया था। तो आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें कि इस तरह एक फ्री प्लेटफॉर्म से आप जो है गाइडेंस ले सकते हैं, और मुझे लोग जो हैं वो स्कॉलरशिप के लिए आप कह सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया आपका, स्पेशली फैजान भाई का, अजहर भाई का, कि वो आए और उन्हें अपना जो है वो कीमती वक्त जो दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, बहुत शुक्रिया। वाइंड अप करते हैं।